हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई एम वैभव शर्मा, आई एम पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्पर्ट्स वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। दोस्तों, बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हुए हैं आपको नॉलेज देने के लिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, आपको आपकी जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर करने के लिए। आई होप सारे वीडियो आपने देखे होंगे। और दोस्तों, हमारे वीडियोज़ की खासियत है कि आपको ऐसा वीडियो पूरे चैनल पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो वीडियो उन लोगों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, उन लोगों के द्वारा पोस्ट किए जा रहे हैं जो खुद इन्वॉल्व हैं ये सब प्रोसेस में। तो भूलिए मत इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐड करना अपने लिस्ट में, और ये आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे आके देता है। ये ऐसा चैनल है आपके लिए। अब आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट के बारे में, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास तो मैं क्या करूँ, कौन से प्रोडक्ट हम ले सकते हैं। पहली बात तो ये कि प्रोडक्ट सेकेंडरी है, पहले प्रोसेस पर फोकस करो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या है, कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो समझो पहले। सेमिनार्स में अक्सर ये देखा जाता है, लोग आके बोलते हैं सर मेरे पास, मैं बहुत अच्छा डिटर्जेंट पाउडर बनाता हूँ तो मुझे वो एक्सपोर्ट करना है, ये मेरा कार्ड है, इस तरह के मैं बना रहा हूँ, देखो तो मुझे ये सब एक्सपोर्ट करना है, ये मुझे आप सिखा पाओगे। कोई आके बोलता है कि मेरा ये फ्रोजन का काम है, मैं सर इतने तरह के फ्रोजन आइटम बना रहा हूँ, तो ये फ्रोजन एक्सपोर्ट होगा। सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरी बात ध्यान से समझो, 99.9% चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, आपकी भी होगी, लेकिन पहले प्रोसेस पे फोकस करो। प्रोसेस पे जाए बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे एक्सपोर्ट होगा, कहां पे एक्सपोर्ट होगा। तो पहले प्रोसेस पे फोकस करो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझो, उसकी टेक्नोलॉजीज को समझो, उसकी बारीकियों को समझो, उसका प्रोसेस समझ में आएगा, उसके बाद प्रोडक्ट की आपको अपने आप समझ में आएगी कैसे हो सकता है। अब मैं आपको बहुत सारे आइडिया देता हूं उन प्रोडक्ट के लिए जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है और आपके पास एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट नहीं है आपके ध्यान में, आपका बैकग्राउंड नहीं है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपके घर में कोई प्रोडक्ट है, आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट है, मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ। इंडिया से एग्रीकल्चर बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, एग्री कमोडिटीज़ बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं, ओनियन है, पोटैटो है, टोमेटो है, करेला एक्सपोर्ट होता है, भिंडी एक्सपोर्ट होती है, जिंजर गार्लिक ये सब एक्सपोर्ट होता है, लेमन एक्सपोर्ट होता है, चिल्ली एक्सपोर्ट होता है, तो ये सारी कमोडिटीज एक्सपोर्ट होती है और भर के एक्सपोर्ट होती है। और इन सब में मार्जिन कितना है पता है आपको, 10% से लेके 50% तक का मार्जिन मिनिमम होता है इसमें, ज़्यादा भी होता है बट 10% से 50% तक का मार्जिन तो उसमें जनरल होता है। गवर्नमेंट का स्कीम के बेनिफिट अलग से मिलते हैं, 10%, 5% ये सब पे इंसेंटिव मिलते हैं। अभी ओनियन पे 10% तक इंसेंटिव था, अभी गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया है, 10% का इंसेंटिव ओनियन पे गवर्नमेंट दे रही थी। सोचिए कि मार्जिन आपको ना भी मिले या रेट टू रेट भी अगर आप भेज रहे हो बाहर तो भी आपको बेनिफिट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है। इसके बाद इमिटेशन ज्वेलरी काफ़ी एक्सपोर्ट होती है, इमिटेशन ज्वेलरी का बाहर बहुत चलन है, गोल्ड का क्रेज़ इंडिया में ज़्यादा है लेकिन बाहर इमिटेशन ज्वेलरी बहुत चलती है बाहर सारे कंट्रीज में, क्योंकि वहाँ पे यूज एंड थ्रो टाइप की कल्चर है, तो आज पहनेंगे कल पहनेंगे नहीं वापस, कुछ नया लेके आएंगे। उसके अलावा कपड़ा बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, टेक्सटाइल बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, चाहे वो बेडशीट हो, चाहे वो कवर हो, पिलो कवर्स वगैरह हो गए, चाहे वो शर्ट्स हो गई, शर्ट पैंट हो गया, टी शर्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा सर्जिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल आइटम बहुत सारे एक्सपोर्ट होते हैं। और सर्जिकल इक्विपमेंट का बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि इंडिया में उसका बहुत बड़ा हब है, स्पेशली गुजरात में उसका काफ़ी बड़ा हब है जहाँ पे ये सब चीज़ें बनती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती है, केमिकल है, फार्मा है, ये सब एक्सपोर्ट होता है। लेकिन जो मैंने आपको 4-5 चीज़ें बताई, एग्रीकल्चर की बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, आपको इमिटेशन ज्वेलरी के बारे में बताया, आपको सर्जिकल इक्विपमेंट के भी बहुत सारे आइटम है उसके बारे में बताया, ये सब कपड़े की चीज़ें आपको बताई, टेक्सटाइल पूरा, इसमें पैंट शर्ट और ये सब चीज़ें भी आ गई, बेडशीट कवर वगैरह ये सब चीज़ें भी आ गई, ये सब का भर भर के एक्सपोर्ट होता है। इवन आपको अगर ये सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आती है एक्सपोर्ट करने में, हमारे पास जो नेटवर्क है काफ़ी सारे लोग उसमें ये सब चीज़ों में काम कर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी अगर नहीं है वो हम आपको दे सकते हैं लिंक, आपको ये प्रोडक्ट हम लोग सोर्स करवा सकते हैं, आपको कनेक्ट करवा सकते हैं हमारे नेटवर्क के थ्रू। आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की लाइन में आगे जाना है, बड़े लेवल पर जाना है, हमारे साथ जुड़िए, हमारे नेटवर्क में आके जुड़िए, तो हम आपको आगे तक लेके जा सकते हैं और पूरा सपोर्ट हम कर सकते हैं 0 लेवल से लेके टॉप लेवल तक। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। थैंक यू दोस्तों, ये उन लोगों के लिए था वीडियो जिनके पास प्रोडक्ट की प्रॉब्लम आती है, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है। इसके बाद आपको प्रोडक्ट के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस पे काम कीजिए जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं।
उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए, हमसे आके मिलिए, हमें कॉल कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट टाइम कुछ और आपके आपके लिए लेके आता हूँ अच्छा, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में, धंधा करने में, बिजनेस करने में। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू।